झाबुआ जिले में कल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए आज मतदान दल रवाना किया गया। जिले में कुल 981 मतदान केंद्र हैं, जिसमें से तीनों विधानसभाओं में कुल महिलाओं के लिए 75 पिंक पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। झाबुआ पॉलिटेक्निक कॉलेज से आज सभी मतदान कर्मियों को मतदान सामग्री सहित रवाना किया गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर तन्वी हुड्डा ने मौके पर पहुंचकर मतदान कर्मियों से चर्चा करते हुए पूरी तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान उप जिला निर्वाचन अधिकारी अंकिता प्रजापति ने मीडिया से बातचीत में बताया कि सभी मतदान दलों को उनके मतदान केंद्र में पहुंचाने के लिए 270 से अधिक बसें लगाई गई हैं। उनका प्रयास है कि सभी मतदान दल अपने अपने मतदान केंद्रों में शाम तक आसानी से पहुंचे। कल 17 नवंबर को निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार सुबह से मतदान शुरू हो सके। झाबुआ जिले में कुल 981 मतदान केंद्र हैं, जिसमें 26% मतदान बूथ को संवेदनशील बताया गया है, जिसकी सुरक्षा के लिए स्थानीय पुलिस बल के साथ बाहर से आए CISF के जवानों को तैनात किया जाएगा। अभी 981 मतदान दलों के हमारे जो हैं वो रवाना हो चुके हैं और अभी तैयारी चल रही है। हमारे टोटल सेक्टर्स 96 हैं। PWD जो हमारे पोलिंग बूथ है वो प्रति विधानसभा दो दो बनाए गए, एक एक बनाए गए हैं। और जो वुमेन मैनेजमेंट पोलिंग बूथ है वो 25-25 प्रति मतदान केंद्र प्रति विधानसभा है। और दो दो जो हमने वो यूथ मैनेज पोलिंग बूथ बनाए हैं वो भी प्रति विधानसभा दो दो दिए हैं। इस प्रकार हमारे यहाँ कुल 981 जो मतदान दल हैं वो तैयार होके अब उनकी तैयारी चल रही है, वो अपना सामग्री लेके अपने अपने मतदान केंद्र में रवाना हो रहे हैं। जैसा आप देख रहे हैं तो काफ़ी मात्रा में हमारी जो मतदान दल हैं वो अपना सामग्री प्राप्त कर चुके हैं और बसों की ओर रवाना हो गए हैं और काफ़ी हमारी जो बसें हैं वो अपने रूट पे भी चालू हो गई हैं जाना। इसी के साथ साथ इस बार हमने 75 कुल पिंक बूथ रखे हैं जो हमारे ज़िले में 25-25-25 तीनों विधानसभाओं में विभाजित हैं। और अभी मैंने एक टीम से पूछा था पेटलागंज, तो वो लड़कियाँ काफ़ी कॉन्फिडेंट हैं और बहुत अच्छे से चुनाव कराएंगी हम सब। और इसी हिसाब से अभी वापसी के टाइम पे भी यही सेम प्रक्रिया रहेगी और काउंटर वार जो है हमने 15-17 काउंटर हर विधानसभा के लिए दिए हैं, तो काउंटर वार मशीनें वापस आएंगी, सामग्री वापस आएगी और उसको हम लोग फिर वापस स्ट्रांग रूम में